तो वही धर्म आपका रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षतः, सत्य में धर्म में न्याय में करेंगे, खुशहाल भी होंगे। एक सूत्र समझाकर हम आपको बंद कर रहे हैं इस विवेचन को। एक चार दिन का भूखा आदमी है, आपके दरवाजे पर चला गया, आप उसको भोजन दे दिए। ध्यान से सुनिए, एक भूखा आदमी को आप भोजन दे दिए, वो भोजन जब करेगा तो आपके चेहरा पर अच्छा लगेगा कि नहीं, खुशी लगेगा कि नहीं, ईमानदारी से बोलिए। और किसी को मार करके छीन लीजिए, पॉकेट मार लीजिए, थप्पड़ मारकर छीन लीजिए, रात को सोने जाएंगे तो आत्मा जरूर बोलेगी कि याद रख, उस लाचार बेसहारा की आह तुझको कभी छोड़ेगी। अरे समुद्र में डूबा आदमी बच जाता है, कुआं में डूबा आदमी बच जाता है, तालाब में डूबा आदमी बच जाता है, लेकिन एक असहाय लाचार बेसहारा के आंख में यदि आंसू आ जाए, घर में रहने वाली जो लक्ष्मी है, तेरी जीवन साथी है, बेगुनाह उसके आंख में आंसू ला दो, तो मैं दावा करता हूं कि उसमें डूबने वाला कभी बचता। बोली साची दरबार की। बस आज की कथा समाप्त। शरीर होते सो सद्गुरु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी शरीरभूतेषु सद्गुरु कृपारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। कोटिन नमनं सद्गुरुचरणं हि अम्बे अवतारणे नमामि। नमन जगत माता जय भाग्य विधाता, हे जग की दाता, नमामि। करुणाय अवतारणि जय भाग्यम संवारणि, हे संकट निवारणि नमामि। दिव्यम रूपम प्रचंडम स्वरूपम मायादिशक्ति नमामि। नमन जय मातेश्वरी हे शरविश्वरी मा दुर्गेश्वरी नमामि। कोटि नमन सद्गुरु चरणं विनती बारंबार, दया सिंधु करुणारूप मातेश्वरी जय सद्गुरु अम्बे अवतार। देवी आत्माएं बोलिए साचे दरबार की। आप लोगों से तो ज्यादा तेज ये हलवे बोल रहा है, हाल जो है ना
वही आप लोगों से तेज बोल रहा है। बोल कर देखिए तो कम से कम दो बार तो जय बोलना चाहिए, एक बार अपनी ओर से, एक बार मेरी ओर से, ठीक है? कई बार बोलना चाहिए, दो बार, जैसे जय हो, ठीक है? बोलिए आदिशक्ति मैया की, फिर गड़बड़, एक हमारे ओर से, एक अपने ओर से, एक अपने जीवन साथी की ओर से। अरे बगल में बैठे हैं तो क्या दो बार हो जाएगा? आपका उनके ओर से हो जाएगा और उनका आप ओर से भी, और नहीं बैठी हैं घर हैं तो घर से उनका भी भला हो जाएगा। बोलिए यज्ञ देव भगवान की, फिर गड़बड़ हो गया। अब ये बताइए, बस जीवन साथी का तो हो गया है, जीवन साथी का तो सभी बोलते हैं, लेकिन माता पिता का भी अधिकार होता है ना, है? एक बार का पुण्य और तपस्या जन्म देने वाली मैया और पालन करने वाले पिता के लिए हो जाए तो कई बार होगा? कई बार होगा? चार बार। चलिए, बोलिए यहाँ पर आए समस्त दृश्य शक्तियों की, अब लगा है कि धर्म सेनापति इस घोर कलिकाल में भी सिंह की तरह गर्जन करते हुए और धर्म स्थापना के लिए आगे बढ़ने के लिए रणभेरी बजा चुके हैं, ठीक है? तो इस तरह से आज तक बड़ा भेड़ बकरी की तरह मैं करके जीवन बिता। अब तो एक तो करना है अच्छा काम। अच्छा ये बताइए, पास में टिकट न हो और टीटी आ जाए, हाथ कौन जोड़ेगा? जिसके पास टिकट रहेगा वो, कि जिसके पास टिकट नहीं रहेगा वो? यानी जो गलत है वही ना जोड़ेगा, ठीक ना? पंचायत में घूस कौन देने का कोशिश करेगा जो गलत रहेगा, है कि नहीं है? तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सच्चा काम कर रहे हैं, जीवन के एक अमूल्य समय में से समय क्या खसकी खसका किए हैं, इतना तो जगह बैठ कर बैठिए ना, कैसे कर रहे हैं, अर्थात जगह लेकर बैठ जाइए ना। वैसे ध्यान तपस्या जब भी करना चाहिए ना, किसी से टच ना हो, क्योंकि जो तपस्या से शरीर से जो शक्ति और किरण निकलती है, तपस्या का ऊर्जा ऊर्ध्व गमन करती है, जब बगल वाले के पास चला जाएगा। नियम तो ये होना चाहिए, नियम तो ये होना चाहिए कि कम से कम 3 फुट की दूरी हो। विकृत आदमी का 3 फीट की आभा, वैसे तो जब तपस्या मजबूत होगा तो 20 फीट का कवर करेगा। ज्ञानी और संत सदगुरुओं का, हमारे आचार्यों का 4 फुट कवर करता है, अवधूत जो है उनका 6 फुट का कवर करता है। तो 6 फुट की दूरी पर जहां नहीं जगह है तो क्या किया जाएगा भाई, उसी में किसी तरह से रहो। तो कहा जाता है घर जाकर करना, यहाँ तो जगह, देवियां भी, देवियां भी आप लोग यज्ञ करती हैं, इतना मेहनत से तपस्या करती हैं और दे देती हैं दूसरे को, दूरी बनाकर बैठने से ना आप लोग